Students, we were on the first chapter, and that is the cockroach that wrote music. And we are on the paragraph, next paragraph I am going to explain you. Benji got up. Benji utha and walked into the kitchen. Wo kitchen mein chal kar gaya, wondering if he was in some sort of strange movie. उसको आश्चर्य हो रहा था कि वो कोई स्ट्रेंज मूवी यानी आश्चर्यजनक अजीब सी पिक्चर देख रहा हो, कोई मूवी देख रहा हो. ही पिक्ड अ पीस आउट ऑफ द फ्रूट केक. उसने जो है फ्रूट वाला जो केक होता है उससे एक छोटा सा टुकड़ा निकाला. ब्रूक ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ बिस्किट, और एक बिस्किट के कोने को थोड़ा सा तोड़ा. He went to the drawer where the matches were kept. वो उस ड्रॉवर के पास गया, उस अलमारी के पास गया जहाँ पे matches यानी माचिस रखे थे. And emptied the full box into the corner of it. और एक कोने में उसने एक मैच बॉक्स को पूरा खाली कर दिया. When he returned, जब वो लौटा, cockroach has almost used up the ink from the nib. और तब तक कॉकरोच ने उसकी निप से जितनी भी इंक निकली थी उसका यूज़ कर लिया था. बेंजी प्लेस्ड केक क्रम्ब ऑन वन कॉर्नर ऑफ होमवर्क पेज. ओके, तो बेंजी ने क्या किया, होमवर्क का जो पेज था उसके एक ही कोने में जो है उस केक को पुट कर दिया, रख दिया, जो होमवर्क कॉपी का पेज था. एंड बिस्किट क्रम्ब ऑन द अदर, और बिस्किट जो है दूसरे कॉर्नर में रख दिया, जो बिस्किट के टुकड़े लेके आया था. द एम्प्टी मैच बॉक्स वॉज लोअर्ड ऑन टू द डेस्क, और जो खाली माचिस का डब्बा था उसको डेस्क के नीचे लगा दिया. यस, आफ्टर ऑल द हैवी वर्क कॉकरोच वॉज रेडी फॉर अ स्नैक. तब वो क्या कह रहा है कि सोच रहे हैं कि हाँ अब इसने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है, अब ये कॉकरोच क्या करेगा आराम करने के लिए. रेडी फॉर अ स्नैक, अब इसको कुछ स्नैक्स चाहिए, नाश्ता चाहिए. ही इंस्पेक्टेड द केक, उसने केक को चेक किया, उस केक के पास गया. एंड देन द बिस्किट, तब वो कॉकरोच बिस्किट के पास गया. एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, और कुछ सेकेंड के बाद फीलर्स ट्विचिंग, उसने अपने फीलर्स जो उसके मुंह के ऊपर दो फीलर्स लगे होते हैं लंबे लंबे, उनको ट्विच किया यानी हिलाया. डिसाइडेड ऑन द केक, और ये निश्चित किया कि वो केक को खाएगा. द एम्प्टी मैच बॉक्स वॉज ट्रीटेड विद सस्पिशन एट फर्स्ट, तो जो वो खाली मैच का बॉक्स रखा माचिस का डब्बा का था, बिहेव्ड ट्रीटेड विद सस्पेंशन यानी नेचुरली उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था, है ना, क्यों रखा है ये नहीं समझ में आ रहा था, उसे ऐसा लगा. एज सून एज कॉकरोच क्लाइम्ब इनटू इट, लेकिन जब कॉकरोच उसके अंदर गया, द कार्डबोर्ड मूव स्लाइटली, जो कार्डबोर्ड था वो धीरे से मूव किया यानी उसको हिलाया. एंड दैट सेंट कॉकरोच स्क्योरिंग टू द कॉर्नर from where he nervously regarded his new home. Okay, that sent cockroach securing to the corner. और जिसकी वजह से कॉकरोच को बिल्कुल उसके किनारे से सुरक्षा पूर्वक from where he nervously regarded as his new home, और उसे उसको नए घर में रिगार्डेड एज न्यू होम यानी उसके नए घर में उसको भेज दिया गया, यानी माचिस के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया. बेंजी वंडर्ड, बेंजी को आश्चर्य हुआ, इफ ही शुड हैव लाइंड द मैच बॉक्स विद अ पीस ऑफ टिश्यूज, उस कि उसको जो है मैच बॉक्स के ऊपर कुछ टिश्यू पेपर लगा देने चाहिए थे. ब्रेवली, बहुत अच्छा, बहादुरी पूर्वक. कॉकरोच मूव्ड फॉरवर्ड अगेन, और कॉकरोच फिर से आगे की ओर बढ़ा. एंड क्लाइम राइट इन टू द हिज न्यू होम, और फिर से ठीक उसी अपने घर में चला गया. आफ्टर अ फ्यू इंस्पेक्शन टर्न्स, कुछ इधर उधर घूमने के बाद, जांच करने के बाद, ही अपीयर्ड टू बी सेटिस्फाइड, उसको लगा कि अब वो बिल्कुल संतुष्ट है. एंड सेटल डाउन टू एन आफ्टरनून नैप, और वो दोपहर की नींद लेने के लिए बैठ गया.
Benji sank back on his bed and let out a sigh. Benji क्या हुआ, अपने बेड के अंदर फिर से घुस गया, डूब गया और let out a sigh और एक संतोष की सांस ली. There it was cockroach music. क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे कॉकरोच की म्यूजिक थी. अभी अनटाइडी कुछ अनटाइडी मीन्स मतलब जो कि बिल्कुल साफ ना हो, कुछ गंदा. बट नेवरथलेस ओरिजिनल कॉकरोच केसिन, लेकिन निश्चित रूप से ये वास्तविक कॉकरोच का बनाया हुआ म्यूजिक था, कॉकरोच क्रिएशन था. द नेक्स्ट थिंग वॉज टू शो द म्यूजिकल पीस टू मम. अब अगली चीज़ ये थी कि उसको उस म्यूजिकल पीस को, जो म्यूजिक बनाया था कॉकरोच, उसको उससे अपनी मम को दिखाना था, माँ को दिखाना था. बेंजी वॉज श्योर सी शुड बी प्लीज्ड विथ अमेजिंग म्यूजिक. बेंजी बिल्कुल प्रसन्न था कि अब उसकी जो मैम है, वो जो है मम, वो उस म्यूजिक को देखकर बहुत ही प्रसन्न होगी. कॉकरोच हैड रिटन, जिसको कि कॉकरोच ने लिखा.